बहुत भयंकर स्किन डिजीज है। तो प्राणायाम ही समाधान है सोरायसिस एक्जिमा से लेकर के। स्क्लेरोडर्मा बहुत खतरनाक रोग होता है, ये चमड़ी ऐसे बहुत हार्ड हो जाती है, ऐसे टक टक बोलने लगती है, ऐसी हो जाती है पत्थर जैसी, लोहे जैसी। करते रहिए कपालभाति। और आपको मैं बात इसलिए बता रहा हूं, असाध्य चर्म रोग, असाध्य रक्त दोष। रक्त दोष क्या है? सबसे बड़ा रक्त दोष तो रक्तार्बुद है, रक्त कर्कटार्बुद, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, वो प्राणायाम से ऐसा हो जाता है। टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये अंदर से गड़बड़ हो जाए क्या करेंगे, कौन शासन करेंगे बताओ? किसी दुनिया की ना तो किताब में लिखा और ना किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया, हमने भी नहीं किया कि कोई आसन करने से किसी का प्लेटलेट बढ़ जाता हो, कोई आसन करने से किसी का जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पूरी ब्लड की बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ होती है ना, तो प्राणायाम से अच्छी होती है। हार्मोन्स का गड़बड़ हो जाए तो प्राणायाम से अच्छा होता है। तो फिर बच क्या गया? अब मैं सार संक्षेप में कह रहा हूं, जितने वैसे तो ये तो मैंने थोड़े से रोगों के बारे में बताना चाहा था, फिर ये लंबा हो गया। माने आसन फिर किस रोग में लाभ करते हैं? ये आसन किस मर्ज की दवाई है? फिर आसन करने से एक तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की इंप्रूव करने के लिए, दूसरा बॉडी को थोड़ा अपेक्षाकृत और अच्छी शेप देनी है। वैसे तो मैंने कहा था प्राणायाम करने से बॉडी की शेप अपने आप अच्छी होती है, आपकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, आपकी जंघाएं कैसी होनी चाहिए, जैसे एक दिव्य शरीर होता है ना, स्वाभाविक रूप से दिव्य शरीर, वो प्राणायाम से ध्यान से अपने आप हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी को अतिरिक्त शरीर को सौष्ठव देना है, अतिरिक्त सौष्ठव माने उसको थोड़ा ज्यादा शौक है कि मेरी भुजाएं ऐसी होनी चाहिए, मेरी जंघाएं ऐसे होनी चाहिए, मेरा सीना ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे अतिरिक्त सौष्ठव चाहिए ना किसी को, उसके लिए आसन लाभ करते हैं अतिरिक्त सौष्ठव के लिए। किसी को ये टोले शोले बनाने का बड़ा शौक होता है, ऐसा होना चाहिए मेरा शरीर, ऐसा दिखना चाहिए, अतिरिक्त शारीरिक सौष्ठव के लिए। दूसरा उसके लिए आसन व्यायाम लाभ करते हैं। स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम के लिए आसन लाभ करते हैं, ये बिना प्राणायाम के भी ठीक हो जाएंगे, जैसे सर्वाइकस्मलाइटिस है, बैकेक है, स्लिप डिस्क है, शाटिका है, बिना प्राणायाम के भी अच्छे हो जाएंगे। इसको कहते हैं आसनों का लाभ है ये विशुद्ध रूप से, इसलिए हम मेरुदंड के लिए आसन जरूर बताते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई हो तो फिर प्राणायाम भी जरूरी होता है उसमें, लेकिन वह मुख्य लाभ आसनों का है मेरुदंड के रोगों में। वजन घटाने में बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक करने में तो प्राणायाम की भूमिका है, केवल प्राणायाम से भी आप वजन घटा सकते हो, लेकिन केवल आसनों से भी घटा सकते हो, इसलिए उसमें दोनों की बराबर भूमिका है, 50-50 वेट घटाने में। और मधुमेह में मुख्य रूप से प्राणायाम और सहयोग करता है आसन। तो मेरुदंड के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए आसन विशेष उपयोगी है। पेट के रोगों में भी ऐसे, एक तो पेट की गंभीर समस्याएं हैं, पेट तो ये पूरा आ गया पाचन तंत्र, अब इसमें लीवर की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसमें कपालभाति करना ही पड़ेगा, फैटी लीवर की समस्या है, हेपेटाइटिस है, तो वो तो प्राणायाम से ही अच्छा होगा। लेकिन सामान्य रूप से नाभिधारण का डिगना, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसमें जो अभी आपको आसन बताएंगे वो लाभ करेंगे। फिर जैसे बच्चों की ग्रोथ है तो उसमें प्राणायाम तो जरूरी है ही, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक तो थायराइड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड, वो प्राणायाम से ही अच्छे होते हैं। बाकी ऐसे शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका शरीर सौष्ठव है, तो उसमें आसन लाभ करते हैं। तो ये आसन और प्राणायाम के बारे में
मूलभूत सिद्धांत आपको बता दिया। तो योग करता क्या है, तो इसके भी मूलभूत चार पांच सिद्धांत रूप में मैं बातें कहता हूं। पहला, योग, योग में अर्थात मुख्य रूप से मैंने कहा ना 99%, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, 99% प्राणायाम और ध्यान से लाभ होता है। और वो क्या होता है लाभ, कैसे होता है, जब भी कोई आप बोलेंगे ना कि इस योगाभ्यास से यो रोग मिटता है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। क्या शब्द बोला मैंने, बोलिए, मैकेनिज्म, प्रोसीजर। माने कोई भी रोग ठीक हो रहा है तो इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, क्यों ठीक हो रहा है। अब जैसे मैं कहूं कि आप ये आसन कीजिए इससे आपका मेरुदंड अच्छा हो जाएगा, इससे आपका सर्वाइकल स्पोनाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, लोमा स्पोनाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस अच्छा हो जाएगा, कैसे अच्छा हो जाएगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए और वैसे उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो अभी मैं आपको योग का मूल सिद्धांत बता रहा हूं कि योग से कैसे अच्छा हो जाएगा, क्यों अच्छा हो जाएगा, पीछे की प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है, पीछे का विज्ञान क्या है, उसका मैकेनिज्म, साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है उसका। तो वो कह रहा हूं योग से भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, फिजिकल बॉडी और माइंड का बैलेंस हो जाता है। एक सिद्धांत है संतुलन का, एक शब्द में बोलो तो योग से सब कुछ का संतुलन होता है। तो ये आपको हर रोग के संदर्भ में ये पहलू आपको बताना पड़ेगा और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको स्वयं। रोग क्यों होता है, तो भीतर के केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने से होता है, फिजिकल और मेंटल बैलेंस बिगड़ा उसे रोग होता है। तो हमने ठीक कर दिया उसको, कैसे ठीक होता है, प्राणायाम से, ध्यान से, आसन से और सूक्ष्म व्यायाम आदि, हल्के व्यायाम आदि से उसी बॉडी के एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, वात पित्त कफ को, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स को, बॉडी और माइंड को बैलेंस करते हैं। तो असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है, ये सिद्धांत हो गया है। इसको बोलते सिद्धांत, इसको बोल रहा था मैं योग के मूलभूत सिद्धांतों का आपको बोध होना चाहिए। एक दूसरा, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको ये, और ये बात अनुभव के बाद आती है ये बातें। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की महिमा है कि गुरु ने हजारों लाखों करोड़ वर्षों से जो गुरुओं के ऋषियों की परंपरा थी और अपने अनुभव से जो सीखा वो आपको सिखा देता है। इसलिए जो नॉलेज आप योग में बीए एमए प्राप्त करके नहीं कर पाते कई बार, अथवा जिसको प्राप्त करने के लिए आपको पूरा जीवन लग जाता है, वो ज्ञान गुरु से आप 5 दिन में प्राप्त कर लेते हैं, क्या ये छोटी उपलब्धि है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की महिमा है कि गुरु अपना सारा ज्ञान, सारा अनुभव, उस योग के संदर्भ में जो सारा सत्य आत्मसात किया जाना वो आपको दे देता है। ये है दूसरा पक्ष योग का। योग से डीजर्नेट वे बॉडी के सेल्स और सिस्टम रीजर्नेट हो जाता है। अभी इसमें बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या बोला, डीजर्नेट वे बॉडी के सेल्स और सिस्टम रीजर्नेट हो जाता है, अभी बहुत बड़ा सिद्धांत है। स्किन सेल्स डीजर्नेट हो जाते हैं तो सोराइसिस, एक्जिमा, और अभी जो मैं बात कर रहा था लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं। बोन सेल्स डीजर्नेट होते हैं तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बोन कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये क्या डिजर्नेशन है। ये बार बार जो स्ट्रेस में जीते हैं हम, बार बार बीड़ी सिगरेट, शराब, गलत खान पान, गलत आहार, गलत विचार, इससे बॉडी में डिजर्नेशन होता है, स्किन में,
बोन्स में, ब्लड में, फिर ब्रेन में, पूरे पूरी बॉडी में, एक एक सेल का डीएनए तक डिस्ट्रॉय होता है, उससे टूट जाता है, जो एक प्राकृतिक ढांचा है ना शरीर का, वो डिस्ट्रॉय होता है। किससे? बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी गलत चीजें खाने पीने से। एक बार भी गलत आहार लेते हैं, एक बार भी गलत विचार करते हैं, तो अपने अपने शरीर में वो दुष्प्रभाव छोड़ करके जाता है, इतना खतरनाक होता है। इसलिए एक बार भी गलत आहार मत लेना, एक बार भी मांसाहार नहीं खाना, एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीना, एक बार भी तंबाकू नहीं खाना, एक बार भी धूम्रपान नहीं करना। और किसी ने पहले कर लिया हो तो उसके लिए शरीर को शुद्ध करने के लिए योगा ग्राम में आ जाना, थोड़ी देर पंचकर्म कर लेना, षटकर्म कर लेना, और प्राणायाम ध्यान आदि करोगे तो शुद्ध हो जाओगे थोड़ा। अब जो एक बार गड़बड़ हुई है तो थोड़ा तो उसका दुख झेलना पड़ेगा, जो किया उसका प्रसाद तो मिलेगा, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा तो प्रभाव डालेगा, लेकिन शुभ करके उसका दुष्प्रभाव माने इतना हो जाएगा कि वो ज्यादा आपको दुख नहीं देगा। शुभ इतना बढ़ा दिया तो दुख नहीं देगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म फल का सिद्धांत। जो हमने किया, और कुछ बात समझ में आती हो ना आती हो ये तो समझ लो, जो हम करेंगे किसी भी अवस्था में, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था तक, अपने आहार, विचार, व्यवहार, वाणी, स्वभाव, पूरे जीवन में जो कुछ हम करेंगे वो कई गुणा, मैं तो वैसे उसको क्योंकि समझ में तो आता नहीं है इसे कि इसमें कितना गुणा मिलता है, इसलिए मैं कई गुणा नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूं अनंत गुणा। जैसे एक बीज बो दिया बड़े पीपल का और उससे कितने बीज आगे पैदा हो जाते हैं, आज तक तो कोई गिन नहीं पाया, इसलिए मैं बोल देता हूं अनंत गुणा। कर्म का क्या फल है? तो अनंत गुणा। योग का भी यही फल है, भोग का भी यही फल है, अनंत गुणा फल मिलता है उसका, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मनुष्य बुद्धि से परे है। इसलिए कहता है, कहा जाता है गहनो कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, माने उसको आप ऐसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ तो सकते हैं, समझ में तो आ जाती है बात, लेकिन वो कितना विस्तीर्ण है, उसका क्षेत्र कितना व्यापक है। ये कर्माय से संस्कार और वासनाओं का ही तो खेल, कर्म का फल ही है सब कुछ, हमारा जन्म और ये जगत, भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है ये जगत, और हमारे कर्मों का परिणाम है ये जीवन। सुनो, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो अभी बताया। क्या बताया? डी जर्नेट वे सेल्स री जर्नेट हो जाते हैं। डी जर्नेशन कई कारणों से होता है, स्किन सेल्स में, बोन सेल्स में, ब्लड सेल्स में, बॉडी में, बहुत तरह से डिजनरेशन होता है। एक एक सेल, सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गेन, सबसे छोटी इकाई होती है हमारा स्टेम सेल, फिर सेल, फिर उससे टिश्यू, फिर उससे ऑर्गेन। ये हमारे मनुष्य के निर्माण से लेकर के, माने दो सेल ही तो थे, एक माँ का सेल, एक पिता का सेल। उसको माँ के सेल को ओवम बोलते हैं, पिता के सेल को स्पर्म बोलते हैं। फिर दो से चार, दो सेल मिलके एक बन जाते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से फिर तीन लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और उससे पूरी बॉडी स्टेब्लिश्ड होती है, बॉडी का पूरा पूरा ढांचा हमारा खड़ा होता है, बनता है, निर्मित होता है। एक योग, एक सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल, ब्रेन सेल, लीवर, किडनी की सेल, सब सेल्स ही तो हैं। सेल्स इकट्ठे हो गए तो क्या बन जाता है? टिश्यू। उससे क्या बन जाते हैं? ऑर्गेन। उससे क्या हो गया? पूरा सिस्टम। उसी को बोलते हैं शरीर, बॉडी। बस शरीर के तो परमाणु होते हैं, बुद्धि के भी परमाणु होते, ब्रेन के भी, ब्रेन के भी सेल्स होते हैं, लेकिन मन के कोई सेल्स नहीं होते। इसलिए मन को भौतिक तत्व नहीं माना गया है, माने क्या कहें उसको, माने कोई परमाणु से नहीं बनाए, पदार्थ बहुत
माने आत्मा तो माने ये जो परमाणु के संघात से बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और सत्व रजस्तम, कि जो वैसे परमाणु की जिसके उनसे मिलाने से बन गया और उसके विघटन से टूट गया, ऐसा नहीं है। खैर अब इसकी ज्यादा दार्शनिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। स्थूल परमाणु से नहीं बनाए किसी से भी, तो डीजर्नेट वे जो बॉडी के सेल्स हैं वो रीजर्नेट हो जाते हैं। अभी तक विज्ञान में ये मान्यता थी, आधुनिक विज्ञान में, एक तो वैदिक विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान हमारी प्राचीन विद्याएं दोनों ही, हमने दोनों के साथ साथ उपासना की, ज्ञान के विज्ञान के, नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी स्किल प्रॉस्पेरिटी। आज ने गडकरी जी बहुत गहरी बातें कर रहे थे, बड़े गहरे आदमी हैं, तो बोल रहे थे हमारा जो नॉलेज है वो वेल्थ में क्रिएट होना चाहिए। दो तरह की वेल्थ होती है, एक मैटेरियलिस्टिक वेल्थ होती है, एक स्पिरिचुअल वेल्थ होती है। तो ज्ञान जो है वो हमारे जब कर्म में घटित होता है तो दो प्रकार की समृद्धि मिलती है हमें, एक आध्यात्मिक समृद्धि उसको समाधि कहते हैं, एक भौतिक समृद्धि उसको बाहर के जगत का ऐश्वर्य, ऐसे अलग संज्ञाएं दी जाती हैं। खैर तो दूसरी बात आपको बताई, डीजनरेट वे सेल्स और पूरा सिस्टम क्या हो जाता है योग से, रीजनरेट। पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता था, लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, अब पूरी दुनिया का मॉडर्न मेडिकल साइंस और सारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स भी मानने लग गए कि योग से डीजनरेट वे सेल्स भी रीजनरेट हो जाते हैं। इसके ऊपर पूरे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। अब योग के ऊपर करीब 1500 से 2000 के बीच में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और अब तो और ज्यादा होंगे। योग और आयुर्वेद का अब बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, और अब तो योग आयुर्वेद का 2-3-5 साल लगेंगे हमें, क्योंकि सरकारें तो बस वो मंत्रालयों को चलाती रहती है कि उस मंत्रालय में इतने कर्मचारी हैं, इतने अधिकारी हैं, इतनी बिल्डिंग है, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए इतना पैसा चाहिए, कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए इतना पैसा चाहिए, जो अधिकारी उनकी तनख्वाह के लिए इतना पैसा चाहिए, उसी से फुर्सत नहीं है। 99% तो इसी में चल रहा है सारा धंधा। तो हमने सोचा भाई इन सरकारों से ज्यादा अपेक्षा करना क्या ठीक है, करना ही तो चाहिए, सात्विक अपेक्षा तो है ही हमारी कि अच्छा हो जाए तो अच्छा है, तो वो जितना करें भगवान उनका भला करे, लेकिन वो करे या ना करे हम इसको जरूर करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है कि योग आयुर्वेद में और गहरा रिसर्च करेंगे। जो बातें बता रहा हूं आपको रिसर्च के आधार पर ही बता रहा हूं, ज्ञान अध्ययन अनुसंधान शोध के आधार पर ही बात कर रहा हूं। डीजनरेट वे सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। तीसरा सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, सुप्त ज्ञान शक्ति एवं सामर्थ्य जागृत हो जाता है। ये डीजनरेशन से भी आगे की बात है। डीजनरेट हुए कि स्किन सेल ब्लड सेल बोन सेल, तो उससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, पूरा मेडिकल साइंस की पूरी फिलॉसफी उसी पर टिकी है। अगली जो बात कह रहा हूं, ये मनुष्य 1-5% ही अपने ज्ञान का, अपने मस्तिष्क का, अपने शक्ति अपने सामर्थ्य अपने ऐश्वर्य का प्रयोग कर पाता है। योग से उस सुप्त ज्ञान शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य की जागृति हो जाती है, इसी को योग की विभूति कहते हैं। और ये दो तरह की, एक भौतिक शक्तियां और एक अतीन्द्रिय शक्तियां, ये दो पक्ष हैं इसके। जैसे एक तो भौतिक रूप से जो योग करता है उसका ज्ञान बहुत प्रखर होता है, वो लगभग लगभग सभी विषयों में थोड़े से समय में उन सभी विषयों को समझने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। हाँ बहुत गहरी बातें हैं ये, इसलिए योगी बनने का ये फायदा है, जो योगी होता है वो थोड़े से समय में अनेक विद्याओं को अर्जित करने का
और उनकी मूलभूत सिद्धांतों को समझने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जैसे हमने किया। मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, आपको समझ में आ जाए। हमने मूलतः तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा। हमारी एक बेटी हमसे कल पूछने लगी, बोलो स्वामी जी ये सब विषय पढ़ने चाहिए। मैंने कहा बेटा सब विषय नहीं, मूल रूप से तो एक दो विषय ही व्यक्ति पढ़ पाता है, फिर यदि वो योगी और आध्यात्मिक होता है तो बहुत से विषयों का उसको थोड़े से समय में ही बोध हो जाता है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत है। तो मूलभूत विद्या नॉलेज एजुकेशन हमारा किसका हुआ? व्याकरण शास्त्र का। व्याकरण शास्त्र के बाद फिर दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा जो और उसके पीछे तो बहुत बड़ा एक एक शास्त्र के पीछे बहुत बड़ी गहराई है। तो हमने हमारा बेसिक एजुकेशन व्याकरण शास्त्र का हुआ और फिर उसके साथ में थोड़े थोड़े और शास्त्र पढ़े, और योग का अभ्यास करने से ये हुआ कि हमें बेसिक प्रिंसिपल्स मूलभूत सिद्धांत, एक दो नहीं सैकड़ों विद्याएं होती हैं। जो योगी होता है उसको मूलभूत रूप से इस जीवन और जगत के सभी रहस्यों का बोध हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक पक्ष बताया नॉलेज। हम 1-5% ही अपने में मस्तिष्क का, अपनी प्रज्ञा का उपयोग कर पाते हैं, और ये तो स्थापित सत्य है, स्टैब्लिश्ड साइंटिफिक ट्रूथ है, स्थापित वैज्ञानिक सत्य है। आज के सभी वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का 1-1 सामान्य रूप से व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 1% प्रयोग करता है। जब वो विशेष रूप से सक्रिय होता है, माने पढ़ता पढ़ाता है या किसी प्रयोगशाला में रिसर्च करता अनुसंधान करता है, जब किसी संदर्भ में गहरा चिंतन करता है। अब जैसे हम ऐसे बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं तो अपने मस्तिष्क का 1% ही प्रयोग करते हैं, या ऐसे ही बैठे हुए अपने रोटी बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या ऐसे ही जो है अपने मस्तिष्क का 1% ही हिस्से का प्रयोग करते हैं हम सामान्य रूप से अपने सामान्य कार्यों में। जब किसी कार्य में गहरे खो जाते हैं, कहते भाई ये तो एकदम घनघोर तपस्या कर रहा है, घनघोर रूप से अनुसंधान कर रहा है, कोई बोले तो पूरा ही खो गया, उसमें पागल हो गया है, ऐसा बोलते हैं। उस समय हम अपने मस्तिष्क का 5-7% अब तक बोला जाता है 7-8% से ज्यादा शायद किसी ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग ही नहीं किया। शायद इसलिए बोला कि इससे ज्यादा जो प्रज्ञावान साक्षात्कृत धर्म ऋषि हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट में वो जब गहरे उतरते हैं तो उससे भी ज्यादा कुछ जागृत हो जाती होगी, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है कि 7-8% से ज्यादा कोई अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाया, बोला ऐसे जाता है, स्थापित सत्य है। तो योगी का सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्तियां, सामर्थ्य, कितना सामर्थ्य एक व्यक्ति में आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। यद्यपि ईश्वर की दृष्टि से मनुष्य अल्पज्ञ है और सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, दूसरी तरह से बोला जाए तो अन्वय व्यतिरेक से किसी बात को कहा जाता है तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन यह भी नहीं पता है कि मनुष्य के अंदर कितना सामर्थ्य है। एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने ऊपर विजय पा करके दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है, इतना उसके अंदर सामर्थ्य है, विश्व विजय का सामर्थ्य है उसमें, विश्व विजय का सामर्थ्य है एक एक व्यक्ति में। इसलिए मैं उसको बोलता हूं हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य। क्या है बोलो? महामानव होने का, हर पुरुष में महापुरुष होने का सामर्थ्य है, हर आत्मा में ब्रह्म होने का सामर्थ्य है, अहम ब्रह्मास्मि, ये बहुत बड़ा दर्शन।